जय माँ दुर्गा। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है चंद्रघंटा। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है, इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर इनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करना चाहिए। उनका ध्यान हमारे अहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सदगति देने वाला है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इस देवी को चंद्र घंटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इस देवी के 10 हाथ हैं, वे खड़ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से वशीभूत हैं। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्दत रहने की है। इसके घंटे की भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा का महत्व है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके माँ चंद्रघंटा के शरणांगत होकर उनकी उपासना आराधना करना चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। यह देवी कल्याणकारी हैं। माता के सभी रूपों को जानने और समझने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय माँ दुर्गा।